हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी लोगों ने हमारी वीडियो मुकेश मिल तो देखी होगी, नहीं देखी तो इस वीडियो की बात जरूर देखें, जिसमें मुकेश मिल मूवी सेट पर एबनॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई हैं और बहुत एक्ट्रेस ने वहां काम करने से मना कर दिया। ऐसी ही हॉन्टेड कहानी आज हम लेकर आए हैं, जहाँ पर अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी भी काम करने से डरते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी एक बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है जो हैदराबाद में है, जो लगभग 1667 एकड़ में फैला है। ये एक पूरी वर्ल्ड में बहुत बड़ी फिल्म सिटी है, जो कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी माना है। इसी की वजह से लार्जेस्ट स्टूडियो कॉम्प्लेक्स का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में रामोजी फिल्म सिटी ने अपना नाम कायम किया है। ये स्टूडियो रामोजी राव ने 1996 में बनाया था। रामोजी राव एक तेलुगु फिल्म मेकर प्रोड्यूसर थे। कुछ लोग इसे सिटी के अंदर सिटी भी कहते हैं, क्योंकि रामोजी फिल्म सिटी बहुत बड़ा है। ये सब तो खूबियां थी रामोजी फिल्म सिटी की, पर अब आती है इस फिल्म सिटी की खामियां। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर काम करने वाले लोग, सेलिब्रिटी, कैमरामैन, कोरियोग्राफर आदि सब ने बहुत ही अजीब चीजें एक्सपीरियंस की है। इन सभी लोगों ने अजीब फिगर्स देखी हैं जब वो शीशे में रेडी होने जाते थे। साथ ही साथ कैमरामैन ने कैमरे के रिकॉर्डिंग में शूटिंग के दौरान बहुत ही अजीब फिगर्स रिकॉर्डिंग में नोटिस की है। बहुत बार अच्छे से सेटअप के बाद भी कैमरास वगैरह मूव हो जाते थे अपने आप। यही नहीं, यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग के दौरान कैमरामैन बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। दरअसल वो सेट के ऊपर से रिकॉर्डिंग कर रहा था और अचानक से वो नीचे गिर गया। जब उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया कि किसी ने उसको पीछे से धक्का दिया था। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वो कैमरामैन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वो अकेला ही था और वहाँ कोई नहीं था, तो फिर उसको धक्का किसने दिया? एक बार फिल्म सिटी में रिपेयर मेंटेनेंस का वर्क चल रहा था और अचानक मजदूर चिल्लाता हुआ फिल्म सिटी के बाहर आया। जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि जब वो दीवार पर रिपेयरिंग का काम कर रहा था तो उसने सैनिकों की आवाज सुनी जो आपस में तलवार से लड़ रहे थे। यहाँ पर गार्ड्स भी सूर्यास्त के बाद अंदर फिल्म सिटी में नहीं जाते, क्योंकि यहाँ जो भी सूर्यास्त के बाद अंदर गया है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। गार्ड्स ने भी यहाँ पर रातों को बहुत अजीब लड़ाई की आवाजें सुनी है। कई फिल्म सितारों के साथ यहाँ पर हादसे हो चुके हैं और इसी की वजह से यहाँ पर कोई भी काम करना पसंद नहीं करता। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या कारण है यहाँ इन सब एक्टिविटीज का। दोस्तों, जब ये रामोजी फिल्म सिटी नहीं बनी थी तब यहाँ युद्ध का मैदान था, जहाँ पर कई मुगलों के युद्ध हुए हैं और कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उसके बाद ये कई सालों तक सुनसान रही। उसके बाद कई वर्षों तक ये जगह को शमशान भूमि के रूप में प्रयोग किया गया। फिर कुछ सालों में यहाँ ये रामोजी फिल्म सिटी का निर्माण किया गया। सभी का मानना यही है कि जो भी यहाँ होता है वो सब इन सैनिकों की भटकती आत्माओं की वजह से होता है। आज की डेट में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद की बहुत बड़ी टूरिज्म प्लेस है। साथ ही साथ यहाँ 1.5 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट हर साल विजिट करता है। आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं, क्या सच में रामोजी फिल्म सिटी में सैनिकों की आत्मा घूमती है? और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।